सो गाइस देखिए आज मनोज जी जो हैं हमको खिलाने वाले हैं। मनोज जी क्या खिलवा रहे हो आज? पटेटो बाइट्स। तो आज तैयारी चल रही है पटेटो बाइट्स की। शुभ वेट, आज चल रही है पटेटो बाइट्स की तैयारी, क्योंकि बाहर चल रही है हवा, इसलिए जो हमने अपना वो बनाया था चूल्हा वो काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोनफायर पापा जी करके जो है, पापा जो जी हमारा चूल्हा है, इसमें हम बनाएंगे आज पटेटो पापा बाइट। सो गाइस देखिए हो रही है अभी चूल्हे में आग लगाने की तैयारी। और ये जो मनोज जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको कहते हैं छिलुक। छिलुक एक ऐसी जो है लकड़ी है जो है आग पकड़ लेती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा क्या होता है मनोज जी, इसके चिकनेपन जो होता है इसको क्या कहते हैं, कुछ इसमें फ्लेम्बल होती है ना कुछ, हाँ लीसा लीसा होता है जो है आग पकड़ लेता है जल्दी से। तो इसीलिए जो है आग लगाने के लिए पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब आग लग जाती है तो उसके बाद क्या, फिर और लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है आग जल्दी लगाने के लिए। और पहले के ज़माने में जब टॉर्च वॉर्च नहीं हुआ करते थे हर घर में, तो जो लोग रात में ट्रेवल करते थे या रात में खेतों से वापस आते थे, वो लोग जो है इनका इस्तेमाल करते थे आने जाने के लिए। देखो हमारी अभी आग चल रही है, धीरे धीरे लग जाएगी। और ये आ चुके हैं पटेटो, इनको कहते हैं, धोए तो धोए नहीं। हाँ ये बेबी पटेटो है ना मनोज जी, ये है बेबी पटेटो ये बेबी जो आ चुके हैं। और इन्हीं को हम जो है इस चूल्हे में करने वाले हैं रोस्ट, और देखते हैं कितने सक्सेस रेट मिलती है इसकी। गाइस तो आपको बताते हैं गाइस, हम पहली बार अपने गांव आए हैं और यहां गाइस हम पहली यहां पर बार अपने गांव आए हैं और मस्ती कर रहे हैं और छुपा अपना नया ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ और गाइस सुनिए, गाइस देखिए सुनिए, और पानी भी है यहां और तीनों फुल मूड में है। गाइस सुनो तो हाँ? देखो शुभ अपना गाइड गाइड कर रहा है और गाइस दोनों यहाँ पे अरे बताने तो दे, बोलो बोलो गाइस बताइए। यहाँ कल हम अपने घर जा रहे हैं, कल हम कहाँ जाने वाले हैं? अपने घर कल हम जाने वाले हैं वापस अपने घर। और जो है यहाँ पर देखिए जो है हमारी ये आग जो है थोड़ा थोड़ा पकड़ चुकी है कोयलों को, और जब एक बार ये प्रॉपर पकड़ लेगी तो उसके बाद जो है, चुप 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 नहीं करो बेटा नहीं करो, तो उसके बाद ही जो है जब तक ये कोयले आग को नहीं पकड़ेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। शुभ नो बेटा, डोंट डू दैट, ऐसे मत करो बेटा। नहीं बेटा शीनू ऐसे काम नहीं करते, ऐसा तो जलेगा नहीं ना बेटा वो। देखिए गाइस जो होते हैं ये तो अपने गाइस जो होते हैं गाइस जो बेटा ये ऐसे जलेगा नहीं, तुम जैसे कर रहे हो गाइस ये पत्थर इंडिया में, ये पत्थर इंडिया देखिए बुझ गई ना आग। शुभ मत करो बेटा, मुझे करना तो बस। शुभ मत करो बेटा, मैं तो नहीं कर रहा। जल गई? शुभ मत करो बच्चे, मैंने बोला हम नहीं करूंगा। बीच में जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। अरे कोयले भी गीले हो रहे हैं। पापा पक गई नहीं? सो गाइस आग जलाना भी यहाँ बड़ा चैलेंजिंग रहता है, और मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर बाद हमें बेबी पटेटोज इसमें डालने हैं। अभी नहीं, अभी तो गीले हैं मनोज जी,
थोड़ा एक बार धधकने दो बढ़िया से। सो दोस्तों मेहनत रंग लाई और देखिए क्या धधकती हुई आग है। अब इसमें बनने वाले हैं पोटैटो बाइट्स, बेबी पोटैटो बाइट्स बनेंगे और उसके बाद हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसे बने हैं। सो गाइस शाम के बज गए हैं 6 और हमारे ताई जी आ रही है, हमारे दगर चाय पिए है और बारी हाथा चाय पिए है और ये देखो हेमा भी चाय भाई की बढ़िया आनंद लेते हुए। और अभी देखिए लगभग लगभग 7-7:15 तक ऐसी मौसम रहेगा और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे ये अंधेरा हो जाता है लगभग लगभग 7:15-7:30 बजे के करीब। और जो है बच्चों को भी देखियो कितनी टेम्पटेशन हो रही है यहाँ पे, कितनी क्रेविंग हो रही है चाय की। शुभ चाय ले लो, लो लो भाई चाय। तो गाइस देखिए मनोज जी की मेहनत लाई है रंग और देखिए रोस्टेड आलू हमारे सामने है बिल्कुल तैयार। अब इन्हें टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। इसमें हल्का सा जो है काला नमक ऊपर से डाल दिया गया है और काफी देर बाद काफी लकड़ियों का बलिदान हुआ इसमें, उसके बाद ये हमको मिले हैं। अब मैं थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसा बना। मनोज जी को भी, मनोज जी अपनी मेहनत, क्या आलू कैसे लग रहे हैं आपको? देखो मेहनत, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का आलू मीठा हो रहा नहीं हो रहा ये बताओ। तो गाइस देखिए ये है आलू, इसको कुछ नहीं करना है, तो बिल्कुल इसके छिलके के साथ ही जो है खा लेना है। जो है जवाब टेस्ट है वाकई ही शानदार। हमारा यहाँ पे जो है इस ट्रिप का लास्ट नाइट है, नेक्स्ट ईयर फिर यहाँ आएंगे, खूब मस्ती करेंगे। और ये ले इस गाइस की भी सुन लो, बोलिए गाइस। वैसे जो आलू है ना पके हुए उसके बाहर के छिलके काले कलूटे और अंदर से बिल्कुल पूरा गोरे। हाँ शुभ ने पहचान लिया, कह रहा है आलू बाहर से तो काले कलूटे हैं लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं। चले गाइस फिर मिलते हैं अभी डिनर के टाइम पे। सो गाइस देखिए फाइनली हमारा आ गया है पहाड़ का रहता और जो है अपना घिया की सब्जी। और इनका नेगोशिएशन चल रहा है कौन कितना खाएगा, किसका कितना वजन ना बढ़ जाए करके, ये सब लिमिटेड खा रहे हैं। यहाँ भी डाइटिंग प्लान चल रहा है। और आज भैया तुम्हारी बीवी में ज्यादा जरूरत है डाइटिंग की, हेमा और वर्षा के सौजन्य से बहुत ही बढ़िया वाला खाना हमको मिला है ये। और जो है यहाँ आदान प्रदान हो रहा है खाने का। सो गाइस ये खाना भी देखो लकीली किसी को मिलता है। काफी सारे आज यहाँ पे हमारे भाई बंद मिलने के लिए आ गए थे, अंबिया चाचा वगैरह सब लोग आ गए थे। चलिए अब इस खाने का लुफ्त उठाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। आगे का भी थोड़ के आगे भी नहीं दिखेगा क्या है सर्दियों में, इसके आगे आप देख नहीं पाओगे। सो गाइस आज जब है तारीख हो गई है रात के बज रहे हैं 10 इवन 10:30 और नज़ारा देखिए हमारे घर के बाहर से। लकीली यार लाइट है क्योंकि कल बारिश आ गई थी तो लाइट नहीं थी। सो आज नज़ारा देखिए यहाँ का कितना सुंदर। अभी तो सब सही है, दिल्ली में जाके आप कमियां निकाल जाओगे। 2-3 साल से पहले तो बहुत मुश्किल होता था। अभी तो वो थोड़ा वो हो रहा है एक्साइटमेंट वाला ही सा। 2-3 साल पहले से तो आप आओगे ही नहीं, ऐसे निकाल के ले लो। मैंने वहाँ नहीं तो कहीं और सही, नहीं तो मैं तो वर्षा और मेरी बात हो ही रही थी कॉर्बेट की, हम तो सोच रहे थे हम चल रहा है कि भैया नेक्स्ट टाइम कब आना नहीं आना। पर देखिए रात का नज़ारा जो है यहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा टॉर्च वॉर्च मार के दिखाता हूँ यहाँ का। टॉर्च देना वर्षा, कहाँ घूमे?
सो गाइस देखिए हम टॉर्च मार मार के ना यहाँ सारे लोगों को परेशान करते रहते हैं रात रात में। देखिए ये हमारे महेशदा का मकान है। आप अगर जिम के ऑर्बिट में रहते हो, आपके डिस्टेंस में नैनीताल है। और ये जो है नीचे जो है हमारे तेलुगु काका का मकान है, और यहाँ पर है नीचे मतलब रामनगर की। आज उन्होंने हमें बैगन भी दिए थे। और यहाँ पे जो है हमारे एक भाई साहब और हैं, उनका भी मकान है। यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा ये वाला मकान, ये वाला नहीं, ये सो गाइस रात को 10 बज रहे हैं अभी। और इससे अभी जब थोड़ा नाइट में यहाँ पे लाइट जो है चली जाती है, उसके बाद नज़ारा कुछ और ही होगा। सो अब हम भी चलते हैं सोने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट गाइस।